सभी साथियों को जैक्सान। साथियों आज 11 अगस्त है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। ग्वार के अंदर रिकॉर्ड बम्पर, आज रिकवरी नहीं बोलूंगा साथियों, आज तेजी बोलूंगा, क्योंकि आज तेजी के सारे आयाम जो है ग्वार ने साथियों पार कर दिए हैं। जैसा कि आपको रविवार की वीडियो में बताया था कि एक ब्रेक अपेक्षित है, ब्रेक के बाद सुधार बनेगा, लेकिन आज सुधार की जगह जो है तेजी बनी है। बहुत अच्छी खबर किसान भाइयों के लिए जिन भाइयों के पास ग्वार साथियों पड़ा है। बात करेंगे सरसों की, सरसों का रुख नरम, ब्रेक अभी भी जारी, चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है साथियों वो ये है, जो नया कॉटन है साथियों वो 7000 रुपए बिका है। कहां बिका है, कैसे बिका है, ये बड़ी एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि हमारी जो आने वाली फसल है वो ऐसी खबर सुन के जो हमारी खुशी की लहर है साथियों वो दुगनी हो जाती है। चर्चा साथियों इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन चने के अंदर भी धमाकेदार एक जबरदस्त उछाल बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी चर्चा जाते जाते इसके ऊपर भी साथियों करेंगे। सबसे लास्ट में या उससे थोड़ा पहले कॉटन की चर्चा करेंगे, उससे पहले चर्चा करेंगे साथियों ग्वार, सरसों और बाकी फसलों की। चर्चा करें साथियों ग्वार की, बहुत ही शानदार तेजी। आज के दिन दिल बिल्कुल गदगद हो गया, जिन भाइयों के पास सालों से ग्वार रखा पड़ा था। आज एक साथी का फोन है कि 3 साल से ग्वार रखा है, एक साथी का फोन है कि 5 साल से 750 क्विंटल ग्वार जो है संभाल के रखा है। तो साथियों माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो साथियों कई साथियों के फोन आए कि लंबा जो है ग्वार उन्होंने संभाल के रखा है, उनके लिए आज बहुत ही शानदार जबरदस्त साथियों आज खबर। ग्वार गम के अंदर बहुत बड़ी तेजी और ग्वार सीड के अंदर भी अच्छी तेजी, 745 रुपए की तेजी ग्वार गम के अंदर और ग्वार सीड के अंदर साथियों लगभग 330 रुपए की तेजी बनती हुई जो है नजर आई है। हाजिर में आज बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा, लेकिन कल से धमाकेदार एंट्री हो सकती है साथियों ग्वार की। आज सुनने में यह है कि गांवों के अंदर भी कुछ व्यापारी लोग 6200 6300 रुपए तक जो है ग्वार जो है साथियों खरीदने को आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त शानदार बाजार जो है ग्वार का। बात करें भाव की, रावला 5710 रुपए, रायसनगर 5682, सिरसा 5850, आदमपुर 5850, गैसमपुर 5810, नोहर 6000 रुपए साथियों, बादरा के अंदर 5950 रुपए, चूरू 5950 और सिवानी के अंदर रिकॉर्ड आज भाव 6150 रुपए साथियों जो है दर्ज किया गया। तो ग्वार के अंदर जबरदस्त साथियों तेजी। बात करें सरसों की, रुख आज भी कमजोर, लगभग 50 से लेके 100 रुपए तक का एक ब्रेक सरसों में अपेक्षित था। स्पष्ट शब्दों में आपको बोला था कि साथियों एक ब्रेक आएगा, वो ब्रेक आता हुआ नजर आया। ज्यादा चर्चा सरसों के ऊपर साथियों नहीं करेंगे, क्योंकि सरसों अभी जो आउट ऑफ डेट कमोडिटी है, अभी ये सीजनेबल जो है चीज नहीं है। फिर भी जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सरसों के ऊपर जो है लगातार साथियों चर्चा करता रहूंगा। तो सरसों के भाव की बात करें साथियों, जो हमारी यूपी की लाइन है वहां पर 5200 से 5350 रुपए, नोहर 5500, बरवाड़ा 5250, रायसनगर 5360, सिवानी 5400, भरतपुर 5470, गंगानगर 5520, दादरी 5600, दिल्ली 5550, जयपुर 5975 रुपए साथियों, रावला के अंदर 5265 रुपए और सलोनी के अंदर भी आज भाव जो है 50 रुपए डाउन हुए हैं, 5250 रुपए साथियों आज जो है सरसों भी किए। तो सरसों के साथियों को यही बोलूंगा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि चुनाव है और एक स्टेट में नहीं है, कई स्टेटों में है और बाहर से आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि बड़ी मात्रा में तेल आ रहा है। घबराहट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव जो है बड़ी तेजी में साथियों मुश्किल लगते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सुधार संभव है, समय लग सकता है। बात करें साथियों कॉटन की, जबरदस्त खबर और दिल खुश कर देने वाली खबर साथियों, आदमपुर के अंदर पुराना जो कॉटन है 7340 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 7482, सिरसा 7316 और नोहर के अंदर नया कॉटन साथियों लगभग 7000 रुपए बिका है और एक डेयरी
पंजाब की किसी मंडी में, शायद अबोर या अंबाला में आई है, वहां भी साथियों 6,991 रुपए वो डेयरी साथियों बिकी है। बहुत ही जबरदस्त खबर। अगर ये भाव साथियों मिलते रहे किसानों को, तो यहां से अगर 7,000 से भाव स्टार्ट होगा तो फिर तो वारे न्यारे हैं। अभी तो मोचर का बहाना है, 100 बहाना है, जो कॉटन की गिरी है वो गिली का बहाना है। क्योंकि मैं तो अमूमन बोलता हूँ साथियों कि कॉटन का जो मॉइस्चर है उसको चेक करने वाली मशीन सरकार के पास है, लेकिन जो कॉटन के बीज के अंदर, बीटी कॉटन के अंदर नॉन बीटी का जो मिक्सअप किया गया है उसको चेक करने वाली मशीन सरकार के पास नहीं है। इस बात का दुख हमेशा से रहेगा। आवाज उठाते रहे, आप भी बोलते रहे साथियों, लेकिन खुशखबरी ये है कि कॉटन के भाव 7,000 को टच कर रहे, नए कॉटन को। कल परसों एक बड़ा एक झटका लगा था जब सुना था कि कॉटन के भाव जो है 6,400-6,500 तक की पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए भी खुशखबरी है, हमारे जो मजदूर भाई उनके लिए भी खुशखबरी है। अगर हमें 10,000 भाव मिलेगा तो मजदूर भाइयों को भी 10 रुपए चुगाई मिलेगी, अगर हमें 6,000 भाव मिलेगा तो उनको भी 6 रुपए प्रति किलो चुगाई मिलेगी। तो सबके लिए प्रकृति के हिसाब से भी बहुत अच्छी ये खबर है साथियों। तो बात करें साथियों चने की, जबरदस्त तेजी, अच्छा रिकवरी, बहुत शानदार रिकवरी साथियों। राजस्थान लाइन अभी 5700 से भी पार पहुंच चुकी है। एमपी और जो एमपी जो लाइन है साथियों वो भी 5700 तक पहुंच चुकी है। नोहर के अंदर आज लगभग 5400 रुपए से भी ऊपर चना बिका है। भादरा 5500, गंगानगर भी चना जो है 5420, रायसनगर अपने 5316 और एक दो और विजयनगर के अंदर भी जो है 5336। तो एक ठीक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है चने के अंदर भी साथियों, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है। सोयाबीन के भाव के अंदर भी बड़ी रिकवरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एडिबल ऑयल ऑयल जो है उनकी भी बहुत बड़ी मांग जो है नहीं है साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता चिंता।